हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लग्न में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि बुध देव सप्तम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव का संबंध है हमारी पार्टनरशिप से, प्रोफेशनल पार्टनरशिप से और पर्सनल पार्टनरशिप से, यानी कि हम अपना बिजनेस जो है पार्टनरशिप में सप्तम भाव से देखते हैं। बिजनेस की सक्सेस भी सप्तम भाव से देखते हैं। लीगल एग्रीमेंट्स, हमारे फॉरेन ट्रेवल्स, क्लाइंट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, ये सब सप्तम भाव से हम देखते हैं। और पर्सनल पार्टनरशिप में हम अपने स्पाउस को देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ, वो कैसा होगा, क्या करता होगा, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी, क्या ये लॉन्ग टर्म मैरिटल रिलेशनशिप में हम रहेंगे या शॉर्ट टर्म होगी, जिसमें कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हैप्पीली हम मैरिड लाइफ निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से हम अपने प्राइवेट पार्ट्स भी देखते हैं, अगर हम बॉडी के ऑर्गेन्स की बात करें। और सप्तम भाव से हम जो है ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस की सक्सेस जो है वो किस तरीके से होगी, या हमारे बिजनेस पार्टनर्स किस तरीके से, उनका व्यवहार वगैरह कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बुध की यहाँ पर प्रेजेंस हम देखेंगे। अब बुध जो है लियो असेंडेंट में सेकंड और इलेवंथ हाउस का लॉर्ड है, यानी कि दूसरे और एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव जो है वो हमारी इनकम का है, हमारी इच्छाओं का है, उपाच्य भाव है, और हमारे नेटवर्क सर्कल का है, छोटी मोटी बीमारियों का है, बड़े सिबलिंग्स का है, और जो द्वितीय भाव है हमारे परिवार का है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स का है, फूड हैबिट्स का है, और एक्यूमुलेटेड मनी का है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो हमारा परिवार मोस्टली बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही रहेगा, या हमारे परिवार का, पेरेंटल फैमिली का कोई ना कोई बिजनेस होगा जिसकी वजह से उसकी लाइफ चल रही होगी, और जो एक्यूमुलेटेड फंड्स की इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस में आउटफ्लो कहाँ रहेगा, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स में रहेगा, बिजनेस में रहेगा आउटफ्लो ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स जो है सप्तम भाव में रहेगा। और हमारे जो परिवार के लोग हैं काफ़ी शार्प होंगे, क्लेवर होंगे, डिप्लोमेटिक होंगे, और बिजनेस को बड़ी बारीकियों से चलाएंगे, और कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में हो सकते हैं या कुछ किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, लेकिन बुध जो है ट्रेड और कॉमर्स में अच्छा रोल प्ले करता है। हालांकि बिजनेस हमारा टेक्निकल साइड में होगा, टेक्नोलॉजी में होगा, नॉन टेक्नोलॉजी में होगा, एजुकेशन में होगा, देखिए उसमें हम ये देखेंगे कि बुध देव किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और उस तरीके से हम ये एनालाइज करेंगे। देखिए दोस्तों, 11 नंबर राशि जो है जो सप्तम भाव में है वो गुरुदेव की राशि, शनिदेव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और उसमें तीन नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल देव का है, दूसरा नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र जो राहुदेव का है, और तीसरा नक्षत्र गुरुदेव का है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। तो बुध किसी भी नक्षत्र में बैठेगा तो उस नक्षत्र का स्वामी इन्फ्लुएंस करेगा हमें बिजनेस की साइड में ले जाने के लिए कि हम किस तरह का बिजनेस करेंगे। नॉर्मली देखा गया है मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र आदमी को मंगल रिलेटेड कामों में ज़्यादा सक्सेस देता है। मंगल रिलेटेड काम बहुत हैं, अग्नि के काम हैं, प्रॉपर्टीज़ का है, रियल इस्टेट का है, फिर धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसका संबंध कुछ म्यूजिक से है, कुछ क्रिएटिव काम में भी इंसान हो सकता है, और जो दूसरा नक्षत्र है शतभिषा वो राहुदेव का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र 100 फिजिशियन का नक्षत्र है और टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, तो उस नक्षत्र में आदमी किसी टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, और या राहु के काम में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, और मेडिसन्स के काम में या मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकता है। और तीसरा नक्षत्र है जुपिटर का जो पूर्व भाद्रपद है, उसके भी यहाँ पर तीन चरण मिलते हैं,
तो जुपिटर के नक्षत्र में आदमी एजुकेशनल फील्ड में हो सकता है, और कोई भी ऐसा काम जिसमें जुपिटर और गुरुदेव का सपोर्ट हो, इस तरीके के काम में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, ट्रेडिंग में हो सकता है, और एजुकेशन में हो सकता है, या एजुकेशनल फील्ड की एक्टिविटीज़ में हो सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ यही प्रोफेशन नहीं निकलेंगे जो हमने बताए, प्रोफेशंस बहुत हैं, सैकड़ों प्रोफेशंस हैं, किसी में भी हो सकता है इंसान। उसमें हमें कई चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं, ये भी देखना पड़ता है कि इस घर पे दृष्टि किस प्लैनेट की है, कंजंक्शन कोई है तो किसका है, इस तरीके से सारी चीज़ें हम वर्कआउट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मोटा मोटा ये रहेगा कि जो फैमिली है वो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली रहेगी, और जो हमारी वेल्थ का आउटफ्लो है बिजनेस की तरफ रहेगा, और वहीं से हम गेंस वगैरह निकालेंगे। हमारे बिजनेस में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज को देखने के लिए आपने शनि देव की प्लेसमेंट देखी। अगर शनि देव बहुत अच्छे वेल प्लेस्ड हैं तो डेफिनेटली यहाँ से हमें बिजनेस की सक्सेस इंडिकेटेड होती है। अगर शनि देव कहीं नीच के आ गए तो बहुत मेहनत करवाएंगे, या शनि देव किसी दुष्टाना घर में बैठ गए तो भी हमें बिजनेस में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, और शनि देव कहीं केंद्र में आ गए, त्रिकोण में आ गए, तो हमें बिजनेस की सक्सेस अच्छी नज़र आती है। दूसरा, हमें यहाँ देखना पड़ेगा नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, यानी कि अगर सपोज ये धनिष्ठा नक्षत्र में, तो मंगल देव की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए चार्ट में बिजनेस की सक्सेस को देखने के लिए। हाँ, यहाँ पर ये प्लेसमेंट अच्छी है, यानी कि यहाँ हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर्स जो हमारे होंगे वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, बिजनेस माइंडेड होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होंगी, क्लेवर होंगे, नेगोशिएशंस में बहुत तेज़ होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छे होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स की बारीकियों को जानने वाले होंगे। तो इसका मतलब जो है, हमारे जो पार्टनर्स होंगे बिजनेस में वो अच्छे ही होंगे, और ऐसे ही हमारे जो फैमिली है उसका एटीट्यूड भी ऐसा ही रहेगा। अब अगर 11th हाउस का लॉर्ड 7th में आ जाता है तो हमारी जो आय है, हमारी जो इनकम है, रूटीन इनकम है, मंथली या डेली इनकम है, वो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आने की संभावना बनेगी। आदमी अगर थोड़ा टाइम नौकरी भी करेगा तो उसमें कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आदमी की एक इच्छा रहेगी कि मुझे बिजनेस में उतरना है एंड हैव टू कंडक्ट ए बिजनेस। यहाँ पर इंसान की जो इच्छाएं हैं, जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, वो यहाँ पर पूरी होने का योग है। 11 नंबर राशि ग्रुप एक्टिविटीज़ की राशि है, तो इंसान अपने ग्रुप एक्टिविटीज़ में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बड़ा बिजनेस यहाँ कर सकता है, क्योंकि 11 नंबर से हम बड़े बिजनेस को देखते हैं। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, आदमी टेक्निकल साइड में भी जा सकता है और नॉन टेक्निकल बिजनेस में ट्रेडिंग वगैरह भी यहाँ पर कर सकता है। और दूसरा, यहाँ पर 11th हाउस से हम अपना नेटवर्क सर्कल देखते हैं, तो इंसान का नेटवर्क सर्कल यहाँ पर बढ़िया ही रहेगा, और थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्कल से क्लोज कनेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड अष्टम में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए, तो फिर हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, नेटवर्क सर्कल है, उसमें लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, डिस्प्यूट्स भी रहते हैं, और ऑब्स्टेकल्स भी रहती हैं। अगर 12वें घर में बैठ जाए तो हम कहीं ना कहीं फॉरेन सिग्निफिकेंस से या फॉरेन के लोगों से हमारे कनेक्शंस अच्छे रहेंगे, तो नक्षत्र का लॉर्ड अगर 12वें में बैठ जाए तो। और यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी तो यहाँ पर हो ही सकती है, क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड है, 11वां घर जो है वो छोटी मोटी बीमारी को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर 11वें घर से हम देखते हैं बड़े सिबलिंग्स, अगर बड़े सिबलिंग्स जो है हमारे हैं तो वो हमें बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं, या हम अपनी फैमिली और बड़े सिबलिंग्स के साथ मिलके यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ में काम कर सकते हैं। तो ये वेंचर हमारी फैमिली का भी वेंचर हो सकता है, जिसमें हमारे बड़े भाई बहन भी हैं और हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उसमें हमारे फादर वगैरह भी हैं, उस तरीके का बिजनेस भी यहाँ देखने को मिलता है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये हमारी पर्सनल पार्टनरशिप का भी घर है। पर्सनल पार्टनरशिप में देखिए, बुध देव शनि देव के मित्र हैं, शनि देव की राशि है,
तो यहाँ पर बुध देव सूर्य देव के भी मित्र हैं और इलेवंथ और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर अगर बुध देव यहाँ बैठ जाए तो कोई यहाँ पर बुरे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते जब तक यहाँ पर बुध देव एफ्लिक्टेड ना हो। बुध के साथ मंगल बैठ जाए, बुध के साथ शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो हमारी मैरिटल लाइफ में थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंगल से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं। तो गुरु भी यहाँ पर बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुरु है तो बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट इस चार्ट में, लेकिन बुध और गुरु भी एनिमी प्लैनेट्स हैं। चंद्र बैठ जाए तो भी हमें यहाँ पर बुरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि चंद्र और बुध में भी कहीं ना कहीं एनिमिटी है। तो अगर यहाँ पर बुध देव एफ्लिक्टेड हैं तो यहाँ परेशानी रहेगी, लेकिन बुध देव के आसपास जो प्लैनेट्स रहते हैं वो सूर्य और शुक्र रहते हैं। तो शुक्र का यहाँ बैठना बुध देव के साथ, मित्र प्लैनेट है, बुध और शुक्र की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, लेकिन शुक्र देव यहाँ जो लियो लगन है उसमें तीसरे घर के मालिक हैं और दसवें घर के मालिक हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो ठीक हो गए, लेकिन तीसरे घर का मालिक अगर हमारी मैरिज के घर में आ जाए तो मैरिज में थोड़ा सा संघर्ष देता है, थोड़ी सी डिफिकल्टीज देता है। और अगर यहाँ पर सूर्य देव आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लगन का स्वामी अगर शादी के घर में बैठ जाए तो शादी को संभालता ही है, शादी को प्रोटेक्ट करके ही चलता है। तो सूर्य का बैठना यहाँ पर अच्छा ही माना जाएगा, हालांकि सूर्य वैसे शादी के घर में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लगन का स्वामी सूर्य है इसलिए 11 नंबर में बुध के साथ बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बुध देव यहाँ बैठ के लगन को ही देखते हैं तो आदमी बिजनेस माइंडेड होगा, शार्प होगा, इंटेलिजेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा होगा और उसमें कई तरह की नॉलेज और कई तरह के आइडियाज़ वगैरह हमेशा उसके दिमाग में रहेंगे और बिजनेस माइंडेड होगा, बिजनेस आइडियाज़ कई तरह के रहेंगे, फर्टाइल होगा उसका माइंड, तो रिच आइडियाज एंड एग्जीक्यूशंस वगैरह में आदमी तेज होगा। और अब देखते हैं यहाँ पर नक्षत्र। देखिए दोस्तों, पहला नक्षत्र धनिष्ठा है, धनिष्ठा नक्षत्र में बुध देव जो है वो एनिमी नक्षत्र है, धनिष्ठा मंगल देव का नक्षत्र है, उसके दो ही चरण यहाँ मिलते हैं। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में बुध देव बैठ गए तो मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है राहु का, शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र भी जो है राहु का अच्छा नक्षत्र है, टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है या मेडिकल साइंस का है। अगर बुध देव शतभिषा में है तो ज़्यादातर देखा गया है चार्ट्स में हम टेक्निकल फील्ड में ही बिजनेस करते हैं, टेक्नोलॉजी में ही बिजनेस करते हैं, लेकिन राहु का अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी है। राहु अगर छठे घर में आ गया तो बिजनेस में हमारे डेट्स वगैरह बढ़ा देगा, और बारहवें घर में आ गया तो खर्चे बढ़ा देगा, चाहे हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ले जा सकता है। अगर राहु की प्लेसमेंट किसी केंद्र त्रिकोण मित्र राशि में हो जाती है तो डेफिनेटली बिजनेस की सक्सेस रहेगी। और तीसरा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, वो भी एनिमी साइन है बुध देव के लिए, गुरुदेव का साइन है जुपिटर का, उसमें जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए तभी बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर शनि देव और नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है इस चार्ट में तो हमें सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी। अगर नक्षत्र का लॉर्ड छठे घर में बैठ जाए तो हमारे मैरिज में और हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ अड़चने रहेंगी, बिजनेस में लोन्स रहेगा, मैरिज में डिस्प्यूट्स रहेंगे। अष्टम भाव में बैठ जाए तो भी हमें कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स फेस करने के, और बारहवें घर में भी अगर बैठ जाए तो मैरिज की डिफिशेंसी नज़र आती है, मैरिज में एक डिस्टेंस नज़र आता है और एक कनेक्शन में कमी नज़र आती है। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्लेसमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं, और कुल मिला के अगर हम इसे कंक्लूड करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। और अगर बुध देव में अफ्लिक्शन नहीं है या शनिदेव कहीं छठे आठवें बारहवें में नहीं है तो ये प्लेसमेंट बिजनेस की एक अच्छी बड़ी सक्सेस हमें दर्शाती है, और ऐसे लोग अच्छे कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन रहते हैं लाइफ में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
मैं देखता हूँ कि हमारे 74% जो व्यूअर्स हैं वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने। ओनली 26% ऑफ आर व्यूअर्स आर आर सब्सक्राइबर्स। तो आप अगर हमारे व्यूअर हैं और अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें, जिसके लिए हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन रहेगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सी यू टुमारो विद अनदर प्लेसमेंट ऑफ मर्करी। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।